today we are going to start exercise 16.2 of class 10, which is about cylinder. Okay, in this exercise we are going to find area and volume of cylinder. Okay, first formula aata hai CSA, curved surface area of cylinder is 2πr. अब कर्व पार्ट क्या होता है, देखो ये आपका सिलेंडर है, अगर आप एक साइड देखोगे एक सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो सिलेंडर के अंदर जो इसके चारों तरफ का पार्ट है उसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये चौक जो है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका जो चारों तरफ वाला पार्ट है इसको हम कर्व पार्ट बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। सेकंड TSA, TSA मींस इस सिलेंडर का पूरा एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसमें क्या होगा कि जो CSA है उसके अंदर ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो TSA बनेगा 2πrh plus 2πr square, done। अब इन दोनों में 2πr common आ जाएगा तो r plus h बन जाएगा। ठीक है, फिर volume of cylinder, volume of cylinder क्या होता है, πr square h। volume of hollow cylinder, अब hollow cylinder क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे जो आपके पाइप होते हैं, जैसे गैस पाइप हो गई या वाटर पाइप हो गया, जो भी पाइप होते हैं वो होलो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो ऊपर से भी खुले होते हैं और नीचे से भी खुले होते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। आर वन, देखो इसमें दो सिलेंडर बन रहे, एक तो आउटर साइड वाला एक इनर साइड वाला, डन। तो आउटर साइड वाली हो गई आर वन, इनर साइड वाली हो गई आर टू। TSA of hollow cylinder, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 pi r1 plus r2 plus h plus r1 minus r2, then अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the diameter of cylinder is 40, then and height is 15 cm, diameter 15 है, radius कितनी बनेगी, 7 cm। पूछा गया है find the total surface area and its volume, to find TSA and volume, then TSA of cylinder, it will be pi r square h, 22 upon 7, r की वैल्यू 7 and 15, ये कट हुआ 12, 7 से 154 and 15, इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर क्यूब और ये जो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का मल्टीपल कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इजी था क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको CSA भी पता लगाना है, TSA भी पता लगाना है और इसका वॉल्यूम भी पता लगाना है, डन। रेडियस और हाइट गिवन है, तो रेडियस 3 गिवन है और हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो डन, बहुत इजी है। CSA, TSA और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपको वही अप्लाई करना है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओके हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर, हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन बेस, एरिया ऑफ इट्स वन बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, क्या है सिलेंडर, इसकी हाइट है 21 एंड बेस एरिया ऑफ इट्स वन बेस। अब इसका बेस कैसा होता है, बेस ऑफ सिलेंडर इज सर्कल, जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कुलर होता है, जो मीन सर्कल होता है, ठीक है। तो ये किसका एरिया है गिवन है, सर्कल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 154 जो कि होगा पाई आर स्क्वायर 154। अब देखो 24/7 आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर विल बी 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 12, 12 7 जा, तो आर की वैल्यू यहां से बनेगी 7 सेंटीमीटर। डन, 7 सेंटीमीटर बनेगी। अब आपके पास आर पड़ा है और एच भी है एंड नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, सीएसए एंड वॉल्यूम ओके, सीएसए और सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर एच स्क्वायर एच एंड 2 पाई आर एच, आर एंड एच की वैल्यू पुट अप करो एंड 2 24/7 आर की वैल्यू 7 एच की वैल्यू 21, इसको सॉल्व करो 24/7। अच्छा अब देखो आपको अपना एप्टीट्यूड माइंड अप्लाई करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, डन, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो गिवन है 154, तो इसकी वैल्यू 154 आ गई मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू क्या है 21, ये लो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको हमेशा पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े, जो फॉर्मूलाज गिवन है जो वैल्यूज गिवन है उसको देखो और उसको यूज करो। डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, H1
H1:H2, 5:4, R1:R2, 2:3, H1:H2, 5:4। अब देखो CH से क्या होता है, 2πR1H1 होगा, क्योंकि हम C1 की बात कर रहे हैं, 2πR2H2, 2π2। अब ये R1:R2 क्या होता है, R1:R2, तो ये ना R1:R2, 2/3, एंड मल्टीप्लाई में है H1:H2, 5/4, 2 × 2 × 2 = 6, तो 5:6। तो जो CSA का रेशियो बनेगा दोनों के, वो बनेगा 5:6। डन। अब देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ C2 πR1²H1 πR2²H2, पाई से पाई कटा। अब देखो इस R1, ये भी R1 का स्क्वायर है, ये भी R2 का स्क्वायर है। पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर जो क्लास 8 में पढ़ा था उसको हम सिंपली यूज करेंगे। देखो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1/H2 का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, R1/R2 2/3, H1/H2 5/4, ये बना 4/9 और ये बना 5/4, 4 से 4 कटा, तो ये आएगा 5:9। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो आएगा 5:6 और वॉल्यूम का आएगा 5:9। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, from equation
1 एंड 2। तो देखो 1 एंड 2 से क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर लिख गया 154, देन 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462, देन 2 पाई आर स्क्वायर विल बी 462 माइनस 154, 2 पाई आर स्क्वायर विल बी 308 एंड पाई आर स्क्वायर विल बी 154। 2 अपॉन में गया, अब इसको जब सॉल्व करोगे 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर विल बी 154 7 अपॉन 22 कट हुआ 7, तो आर की वैल्यू बनी 7। अब देखो, अब इस r की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करो, इक्वेशन 1 थोड़ी बड़ी है तो इक्वेशन 2 में पुट करो, पुटिंग वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, ये देखो 2 पाई r x इक्वल टू 154 देन 2 22.7 r की वैल्यू 7 h एंड 154, 7 से 7 कटा, h विल बी 154 2 इनटू 22, ये अपॉन में जाएगा 22 7 से और ये h की वैल्यू आएगी 3.5 सेंटीमीटर, 7 से 2 का वैल्यू जाएगा। अब देखो आपके पास h भी है, आपके पास h भी है और r भी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h 22/7, r की वैल्यू 7 और ये 3.5, इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट।